zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सैयद सादी और आप देख रहे हैं सैयद सादी यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस तरीके का एक गेमिंग लोगो क्रिएट करके सिखाने वाला हूं। तो गाइस अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है तो आप उस पर भी जो है अपना एक लोगो लगाना चाहते हैं तो डीपी क्रिएट करके, तो मैं आज आपको लोगो क्रिएट करके सिखाने वाला हूँ। तो गाइस इसके लिए हम एक पिक्सेल ऐप जो है एप्लीकेशन की मदद लेने वाले हैं। तो आपने जो है अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो गाइस उसके बाद पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ ऊपर टेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सीधा यहाँ 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इमेज साइज़ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपको कोई भी एक इमेज साइज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियोज़ पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, आपको चौथे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से कोई भी कलर कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो गाइस इसके बाद मैं आपके आगे आपको एक और भी ट्रिक बता दूंगा बैकग्राउंड कलर की। तो सबसे पहले आप जो है ये वाला जो है प्रोसेस समझ लें। उसके बाद सीधा आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है आपको गूगल से सर्च कर लेना है गेमिंग चैनल लोगो PNG या गेमिंग चैनल लोगो PNG, ये इस तरीके से जो है DP PNG आपने ज़रूर लिखना है। तो आपके सामने आ जाएंगे। तो उसके बाद मैं इसको कुछ यहाँ पर लगा लूँगा। अगर आपको ये वाला चाहिए तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो उसके बाद मैं इसका साइज़ बिल्कुल एडजस्ट कर लूँगा। तो इसको मैं कुछ यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो गाइस उसके बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको बिल्कुल मैं यहाँ सेंटर पर रख देता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके आपने इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर पे कर लेना है। तो गाइस उसके बाद इसको सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से लॉक कर लेना है। उससे ये यहाँ से हिलेगा नहीं, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर टैग लिख लेते हैं। तो गाइस आपके भी जो चैनल का नाम है तो आप वो यहाँ पर लिख लें। तो मेरे चैनल वैसे गेमिंग है तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर खुद से एक नाम लिख लेता हूँ, गेमिंग वर्ल्ड। तो गाइस गेमिंग वर्ल्ड चैनल का सबसे पहला नाम जो है वो हमारा आता है जी। तो मैं यहाँ पर जी लिख के इसको डन कर दूँगा। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस दे दूँगा। तो आपने अपने चैनल का पहला वर्ड यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ए वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके पोजिशन पर क्लिक करके आपने इसको थोड़ा सा यहाँ आगे की तरफ ले आना है। तो मैं इसको यहाँ आगे ले आता हूँ, ठीक है गाइस। तो उसके बाद मैं इसको दोबारा यहाँ से थोड़ी सी और स्पेस देता हूँ ताकि इससे हमें आगे पीछे करने में आसानी हो। तो मैं इसको कुछ यहाँ पर ले आता हूँ। तो गाइस उसके बाद इसका साइज़ मैं कुछ बड़ा करूँगा। उसके बाद ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से फ़ॉन्ट लगा लेना है। तो जो फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है गाइस। उसके बाद इसको मैं यहाँ से टिक कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सही तरीके से एडजस्ट कर लूँगा। तो मैं इसको गाइस कुछ यहाँ पर लगाने वाला हूँ, कुछ इतना बड़ा करके। तो इसको मैं कुछ यहाँ पर रख दूँगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से फिलहाल के लिए लॉक कर देना है। पैसे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से इसका कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने बिल्कुल इसको यहाँ पर लगा लेना है। तो उसके बाद मैं यहाँ से सीधा ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने चैनल का लास्ट वर्ड लिख लूँगा। तो मैं गेमिंग वर्ल्ड लिखूँगा। तो आखिरी वर्ड वर्ल्ड में डी आता है, तो मैं यहाँ पर इसको डी लिख लूँगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर डी लिख लिया है। तो इसको मैं कुछ यहाँ पर रख दूँगा और दोबारा इसको मैं ऐसे लॉक करके और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पीछे की तरफ कर लूँगा। तो इसको मैं कुछ यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको भी अनलॉक करूँगा और उसको भी सही तरीके से मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद इन दोनों को मैं यहाँ से लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद अब जो है आपको यहाँ अपने चैनल का मिड वाला नेम लिख लेना है। तो गाइस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही हैं, तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो आपने इसको बिल्कुल ठीक तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोबारा आप लोग प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके टैक्स यहाँ पर लिख लेना है। अब आपको जो है अपने चैनल का मिड वाला नेम लिख लेना है। तो गेमिंग के बाद ए आता है, तो AMING मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वर्ल्ड WORL।
तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से ए बी फॉन्ट वर्जन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अमेरिकन कैप्टन लगा लूँगा। तो अमेरिकन कैप्टन मैंने यहाँ पर लगा लिया, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और इसको मैं कुछ इतना बड़ा करूँगा इसका साइज़, और इसको मैं कुछ यहाँ ऊपर की तरफ लगा लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ से स्पेसिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके मेरा आपने थोड़ी सी स्पेसिंग जो है दे देनी है। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ से टिक कर दूँगा। तो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद दोबारा आपको यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेना है। टैक्स पर आपको कुछ भी हैश टैग दे देनी है अपने चैनल के, जो मैं यहाँ पर दे देता हूँ हैश टैग स्नाइपर एंड यहाँ से AK-47 भी मैं दे देता हूँ। तो गाइस ऐसे ही मैं आर्थिक तौर पर दे रहा हूँ। तो इसको मैं सीधा यहाँ से डन करूँगा और इसको मैं कुछ यहाँ नीचे ले आऊँगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ से कोई फॉन्ट दे दूँगा। तो इसको मैं यहाँ से कौन सा फ़ॉन्ट दूँगा, तो ये वाला फ़ॉन्ट मैं इसको दे देता हूँ। तीनों का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसको भी आपने बिल्कुल ठीक तरीके से लगा लेना है। तो उसके बाद आपने भी इसकी थोड़ी सी यहाँ पर स्पेसिंग दे देनी है। तो मैं इसकी यहाँ पर स्पेसिंग दे देता हूँ। उसके बाद मैं भी इसको यहाँ मिड पर ऐड करूँगा क्रिएटिव पोजिशन की मदद से, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं इसको यहाँ थोड़ा सा नीचे कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पर रहने दूँगा। उसके बाद आपको जो है ये ए बी फॉन्ट के साथ ही आपको बी स्टाइल का ऑप्शन देने को मिलेगा। आपने यहाँ यू लाइन के पर क्लिक कर लेना, इसके नीचे एक लाइन भी आ जाएगी। तो गाइस उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसको लॉक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अगर आप चाहें तो वाइट भी रहने दें, तो वरना यहाँ से आपको ग्रेडियंट पर क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ से ये कलर कर लेना है। तो ये कलर आपको नहीं करने का आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाला आइकन पर सीधा आपको क्लिक करने के बाद इसको आपने कुछ यहाँ नीचे ले आना है और इसको आपने कुछ यहाँ ऊपर की तरफ ले आना है, ठीक है गाइस। उसके बाद सीधा आपने ये वाइट कलर पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो उसके बाद सीधा आपने कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने यहाँ से ये कलर कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ ब्लैक वाले क्लिक करके कलर पर क्लिक करके आपने इसको यहाँ से पिंक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं सेम वही कलर यहाँ पर आ चुका है। तो मैं ये वाला कलर जो है यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो उसके बाद मैं सब पर ये वाला कलर ऐड कर लूँगा। तो गाइस ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो अब मैं आपको जो है बैकग्राउंड कलर के बारे में बताता हूँ। वीडियो भी हमारी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो मैं इसके पास सीधा यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ग्रेडियंट पर क्लिक करके। तो उसके बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा। तो गाइस तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि ये वाला। तो उसके बाद मैं सीधा यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो ब्लैक को जो है मैं ब्लैक रहने दूंगा। उसके बाद आपको ये प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है, सीधा आपने इस पर क्लिक कर लें। दरमियान में आपके पास एक और आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ से एक ब्लैक कलर कर लेना है। तो कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद जो हमारा साइड ब्लैक है, तो उस पर आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इसको यहाँ से रेड कलर कर देना है। रेड कलर करने के बाद जो हमारा वाइट कलर है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लू कर लेना है। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर एक कलर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको कोई भी एक शेप दे देनी है। तो मैं इसको ये वाली शेप यहाँ से दे रहा हूँ, इसको मैं कुछ यहाँ पर ऐड कर दूँगा इस तरीके से। उसके बाद मैं इसको यहाँ से टिक कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कितनी प्रोफेशनल लुक हमारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा यूनिक किस्म का जो है हमारा यहाँ पर लोगो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेमोरी कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना। तो उसके बाद आपने यहाँ से अपनी इमेज को
फिर यहीं पर डाउनलोड कर लेना है। तो गैस अगर आपको भी जो है कोई और वीडियो चाहिए तो आप उसको मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस किस्म की कोई वीडियो बनानी है या लोगो वगैरह क्रिएट करना है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, तो मैं उस पर भी ट्यूटोरियल ले आऊँगा। तो उम्मीद है गैस वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।